हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को क्लास दसवीं के विज्ञान का, फिजिक्स का, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी मेरे साथ में इस एमसीक्यू प्रश्न को हल करेंगे। तो आज आप लोगों को 16 प्रश्नों को सोल्यूशन बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं। तो ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न, लिखा हुआ है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, ए कांच में, बी पानी में, सी हवा में, डी निर्वात में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पहला का डी, निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का चाल सर्वाधिक होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, दूसरा, लिखा हुआ है प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। ए ऑप्शन है आवृत्ति, बी वेग, सी तरंग दैर्ध्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दूसरा का ए, आवृत्ति। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में आवृत्ति जो भौतिक राशि है वो अपवर्तित रहती है, मतलब अपरिवर्तित रहती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है तीसरा, लिखा हुआ है किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होता है। तो किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होता है? ए ऑप्शन है 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 0 डिग्री, डी 45 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा तीसरा का? तो इसका सही आंसर होगा तीसरा का सी, 0 डिग्री। इसी प्रकार अगला प्रश्न है चौथा, दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। ए ऑप्शन है आभासी व सीधा, बी वास्तविक एवं सीधा, सी काल्पनिक, डी वास्तविक एवं उल्टा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा चौथा का ए, आभासी व सीधा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है पांचवा, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन है अवतल, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? इसका सही आंसर होगा पांचवा का बी, उत्तल दर्पण। इसी प्रकार अगला प्रश्न है छठा, लिखा हुआ है पतले लेंस में से आपतित किरण अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सीधे उसी दिशा में निकल जाती है, मुख्य अक्ष पर ऐसे बिंदु को कहते हैं। मतलब कोई लेंस है, पतले लेंस, तो उस पर ऐसे आपतित किरण अपने मार्ग से विचलित हुए बिना, अपने रास्ता से विचलित हुए बिना, इधर उधर न भटकते हुए, बिना सीधे उसी दिशा में निकल जाती है, तो मुख्य अक्ष पर ऐसे बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है फोकस, बी प्रकाशीय केंद्र, सी प्रतिबिंब, डी वक्रता केंद्र। इसका सही आंसर क्या होगा? तो छठा का सही आंसर होगा बी, प्रकाशीय केंद्र। जैसे आप यहां समझ सकते हैं कि ये पतले लेंस है, तो इस पतले लेंस में इस तरह से जब ये यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र होता है तो यहाँ से एक कोई आपतित किरण प्रवेश करता है तो बिना विचलित किए हुए क्या होता है, यानी प्रवेश कर जाता है, मतलब आपतित हो जाता है। तो इस केंद्र को क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। तो प्रकाशीय केंद्र से आपतित किरण डाला जाता है तो ये अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सीधे
बाहर निकल जाता है, उसी दिशा में निकल जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है सातवां, लिखा हुआ है डायोप्टर मात्रक है, मतलब डायोप्टर किसका मात्रक है। ये ऑप्शन है फोकस दूरी का, बी आवर्धन का, सी लेंस की शक्ति का, डी विभेदन क्षमता का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सातवां का सही आंसर होगा सी, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है आठवां, लिखा हुआ है वक्रता केंद्र से दूर स्थित वस्तु का अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। ये ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, बी फोकस बिंदु पर, सी अनंत दूरी पर, डी वक्रता केंद्र व फोकस के बीच। वक्रता केंद्र से दूर स्थित है वस्तु और कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो इस पर कहां पर प्रतिबिंब बनेगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आठवां का डी, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच। इसी प्रकार अगला प्रश्न है नौवां, लिखा हुआ है किसी लेंस के मुख्य फोकस एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच। ए ऑप्शन है फोकस दूरी, बी मुख्य अक्ष, सी त्रिज्या, डी उपर्युक्त सभी। मतलब कहा जा रहा है कि किसी लेंस के मुख्य फोकस एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा नावा का ए, फोकस दूरी। तो मुख्य फोकस एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न लिखा हुआ है दसवां, यहाँ पर कोसी लिखा गया है तो यहाँ होगा किसी, ठीक है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। ए ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, सी 45 सेंटीमीटर, डी 60 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर क्या होगा दसवां का? किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा दसवां का बी, 15 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगला प्रश्न है ग्यारहवां, लिखा हुआ है जिसका प्रयोग दंत चिकित्सक अपने रोगी के दांत देखने के लिए करता है वह दर्पण है। ए ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उपयुक्त सभी। तो यानी बताया जा रहा है कि जिसका प्रयोग दंत चिकित्सक यानी दांत के जो डॉक्टर होते हैं वे अपने रोगी को दांत देखने के लिए करते हैं तो वह कौन सा दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, समतल दर्पण है, इसमें सभी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 11 का ए, अवतल दर्पण। दंत चिकित्सक अपने रोगी को दांत देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है बारहवां, लिखा हुआ है प्रकाश की किरण का सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ए ऑप्शन है वेग बढ़ जाएगा, बी वेग घट जाएगा, सी वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डी कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। तो यानी प्रकाश की किरण का सघन से मतलब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कोई एक कांच है, स्लैब है, ठीक है, तो ये इसको सघन कहा जाता है। तो अगर ये सघन माध्यम से प्रवेश करता है प्रकाश किरण तो ये इधर मुड़ जाता है, ठीक है ना। तो प्रकाश की किरण का सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो इसका सही आंसर होगा 12 का ए, वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न है 13वां, लिखा हुआ है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण में से किस कोण का मान अधिक होगा? ए ऑप्शन है अपवर्तन कोण का, बी आपतन कोण का, सी उपर्युक्त सभी, डी इनमें से कोई नहीं। मतलब जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब आपतन कोण और परावर्तन कोण में से किस कोण का मान अधिक होगा? तो इसका सही आंसर होगा 13वां का बी आपतन कोण। जैसे कोई एक कांच का स्लैब है, तो जो कांच का स्लैब होता है वो सघन माध्यम होता है, तो ये जब कोई विरल माध्यम से, इधर से वायु के माध्यम से, जब विरल माध्यम से प्रकाश आपतित होती है, आती है, तो ये क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ठीक है ना, अभिलंब के ओर मुड़ जाता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर जो कोण बन रहा है, आने वाले जो किरण और ये जो अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और जब ये प्रवेश करके ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है ऐसे, ठीक है, तो ये जो कोण होता है वो क्या होता है, अपवर्तन कोण। तो किसका मान अधिक होगा? तो किसका मान अधिक होगा? आपतन कोण का। ठीक है ना, इसी प्रकार अगला प्रश्न है 14वां, लिखा हुआ है किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है, मतलब किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है, ज्यादा कवर करता है, ज्यादा कैप्च करता है प्रतिबिंब का। तो ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 14 का ए समतल दर्पण। समतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 15वां, लेंस की कितनी वक्रता त्रिज्याएं होती है, लेंस में ऐसे कितना वक्रता त्रिज्या होता है? ए ऑप्शन है 2, बी है 3, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर क्या होगा 15 का? इसका सही आंसर होगा 15 का ए 2, लेंस की 2 वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न है 16वां, लिखा हुआ है किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F में क्या संबंध है, उसके बीच क्या संबंध है? ए ऑप्शन है P बराबर 1/F, बी में ऑप्शन है P बराबर F/1, सी में है ऑप्शन ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? मतलब किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F है, तो उसमें उसके बीच क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर होगा 16 का A, P बराबर 1/F, यानी P के मतलब है लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता बराबर 1/F होता है। तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह से आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।